कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। फिल्म क्यों नहीं का यह गाना गोसाईगंज नगर पंचायत चुनाव पर बिल्कुल सटीक बैठता है। गोसाईगंज में अध्यक्ष पद के लिए 6 दावेदार हैं, जिसमें से यहाँ पर महिला सीट होने के चलते उनके पति खेमनहार के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी महिला प्रत्याशी है जिसके पति नहीं है, लेकिन उनके अंदर समाज सेवा का ऐसा जज्बा है कि वो दिन रात एक कर दी हैं और जनता से जाकर उनका समर्थन मांग रही हैं। उनका कहना है कि यदि उन्हें कोई पद मिल जाता है तो वो जनता की पूरी तरह से मदद कर पाएंगी। तो हम उस महिला से आपको रूबरू कराते हैं, नाम है डॉक्टर विजयलक्ष्मी जायसवाल। आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार। हम आपसे पहला सवाल करते हैं बिना समय गंवाए कि यहाँ पर गोसाईगंज में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 6 दावेदार हैं, एक तरफ 5 दावेदार हैं जिनके पति खेमनहार के रूप में कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक महिला प्रत्याशी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महिला कहीं भी किसी भी फील्ड में आज के समय में कमजोर नहीं है। मैं अपने साथ साथ उन 6 महिला प्रत्याशियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जो अपने पति के काम में सहयोग करने के लिए अपने घर काम को करते हुए भी वो राजनीति में आई और अपना जन समर्थन वो लोगों से मांग रही है। मैं महिला हूँ, मेरे पति राजनीति में थे, मेरे पूरा परिवार राजनीति में था, इन्हीं कारणों से कुछ अप्रिय घटना हो गई हमारे परिवार के साथ। ये उनका सपना था कि हमारा गोसाईगंज जो है अयोध्या का गोसाईगंज बने। अयोध्या जो कि आज विश्व पर के मानचित्र में अपना एक स्थान स्थापित कर चुका है, हम भी चाहेंगे कि मेरा गोसाईगंज जो है, मेरे नगर के लोग, उस अयोध्या से जुड़े हुए लोग विश्व के लोगों तक अपनी पहचान बना पाए। बस इसीलिए मैं गोसाईगंज की नगर की जनता को के सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा समय जो है अब उनकी सेवा के लिए मैं अपना देना चाहती हूँ। ठीक है, हम जानना चाहते हैं जैसे कि आप जो है क्षेत्र में जा रही हैं, तो आपको क्षेत्र की जनता का समर्थन कैसा समर्थन मिल रहा है और किस प्रकार से मिल रहा है? गोसाईगंज की जनता जो है अब एक बदलाव चाहती है जी। वो चाहती है कि हम भी जो है हमारी भी एक पहचान बने, और जैसा मैंने अभी कहा कि वो अयोध्या से जुड़ना चाहती है, वो चाहती है कि उसके यहाँ भी पर्यटक की सुविधाएं आए, जो विकास की योजनाएं अयोध्या में हो रही हैं वो उनके नगर तक आए। हमारी बहुत सारे मतलब क्षेत्र ऐसे हैं जो रामायणकालीन मतलब वृत्तियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिंगी ऋषि हो, चाहे महादेवा घाट हो, बताने पे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। शॉर्ट में यही मैं बताऊंगी कि मैं हम लोग चाहते हैं कि उस चीज को हम अपनी जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसकी पहचान जो है हम विश्व स्तर तक पहचान पाए, उसमें मैं एक कड़ी बनना चाहती हूँ, एक योगदान देना चाहती हूँ। ठीक है, हम आपसे एक सवाल करते हैं और थोड़ा जो है अतीत में जाना चाहते हैं। आपके ससुर जी सुभाष चंद्र जायसवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष जीते, आपके सास भी तारा देवी जायसवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष की रही, कई सालों रही, तो जैसे उनके दौरान गोसाईगंज नगर पंचायत का विकास हुआ, आप भी उन्हीं के परिवार से हैं, आप भी जो है समाज सेवा की लाइन से जुड़ी हुई हैं और अर्थ से जुड़ी हुई हैं, आप गोसाईगंज नगर पंचायत के लिए क्या सपना देख रही हैं? गोसाईगंज नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में उन्हीं के कालखंड में हुआ था। गोसाईगंज अपने आप में अतीत से बहुत ही जुड़ा हुआ है, लोग बताते हैं कि ये तमसा का घाट जो है तुलसीदास जी को बहुत प्रिय था, अपने रामायण की चौपाइयों में उन्होंने कहा भी है। उसके साथ साथ जो है यहीं पे शायद जब बन जाते समय उन राजा दशरथ जो सुमन थे वो जब छोड़ने आए थे, तो यही शायद वो जो जगह है, यही वो पौराणिक स्थल है जहाँ पे विश्राम किया था रात्रि का, और फिर आगे का उन्होंने वानप्रस्थ जीवन अपना शुरू किया था। तो इन्हीं पुराने चीजों को, पुरानी धरोहरों को सजोना हम लोगों का एक कर्तव्य भी है। जी, जी, जी.
तो वो कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम राज्य और सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सके। जी चलिए ठीक है, हम आपसे एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अक्सर याद देखा जाता है कि मान चलिए आप एग्जाम्पल के रूप में पिछली वर्ष भी यहाँ पर जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और यहाँ का अध्यक्ष जो है सपाई था, समाजवादी पार्टी का था। इससे यह होता है कि जब सरकार और जो है अध्यक्ष में दोनों अंतर होता है तो नगर पंचायत का विकास नहीं हो पाता है। तो अगर आप यहाँ पर नगर पंचायत की अध्यक्ष बन जाती हैं और सरकार भी आपकी रहती है तो आपको यहाँ पर विकास करने में आसानी होगी और यहाँ पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ पर ऐसी चीज होना चाहिए? हमारा गोसाईगंज जो है विस्तृत हो, उसका रूप स्वरूप बढ़े। यहाँ पे जो आपका नदी का किनारा है उस पर एक हमारी योजना है कि जैसे लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है, अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट है, गुफ्तार घाट के पास से पर्यटक शाम के लिए अच्छे से मॉर्निंग वॉक करने के लिए साधन है। उसी तरह से हम चाहेंगे कि अगर हम यहाँ से अगर अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, जनता का प्यार समर्थन मिल रहा है और विश्वास है आगे भी मिलेगा, तो हम जो है इस चीज़ को हम वहाँ तक लखनऊ तक पहुँचाएँ, हम अपनी सरकार तक आपकी बात जो है जनता की बात पहुँचाएँ कि हमारे गोसाईगंज को एक ये रिवर फ्रंट के रूप में जो है तमसा रिवर फ्रंट दिया जाए और एक रेलवे स्टेशन के पास भी एक हम कॉरिडोर चाहेंगे ताकि लोगों को स्टेशन से उतरने के बाद से नगर में आने के लिए काफी घूम के ना आना पड़े और इस कॉरिडोर के माध्यम से वो नगर में प्रवेश कर सके। ठीक है, ये दो हमारे जो है ये काफी बड़े सपने हैं जो हम गोसाईगंज की जनता के लिए चाहेंगे कि अगर वो अपना समर्थन दे तो हम उसको पूरा कर सके। ठीक है, बात आपकी बहुत अच्छी है। अगर जो है सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की रहेगा तो नगर पंचायत का बेहतर विकास होगा। अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप गोसाईगंज के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए क्या आप अपील करना चाहते हैं? गोसाईगंज की जनता का हमारे परिवार को हमेशा से सहयोग मिला है, उनका समर्थन, प्यार, आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ परिवार के साथ साथ वो अपने इस नगर के विकास के लिए भी हमारा सपोर्ट करेंगे और उनसे मैं यही अपील करूँगी कि आप नगर के लिए, नगर की जनता के लिए कुछ करना हो तो आपका वोट ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में रहेगा। आपका एक वोट नगर की जनता के भाग्य को बदल सकता है, नगर की तस्वीर को बदल सकता है। बस आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपना कीमती वोट करने जरूर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हम जो है यहाँ से ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके लखनऊ तक आपकी बात को पहुँचा सकें। चलिए ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। आप न्यूज 524 से आपने वार्ता किया, अपना आपने कीमती समय निकाल के आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। धन्यवाद आपका भी, आपके माध्यम से पूरी गोसाईगंज की जनता, क्षेत्र की जनता सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।